वेलकम बैक टू माय चैनल सुजाता किचन एंड लाइफस्टाइल और मैं हूँ सुजाता। तो आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ पालक के कोफ्ते। तो चलिए बनाते हैं। उसके पहले मेरे चैनल पर नए आए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई गर्म करने के लिए रख देते हैं और कोफ्ते बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो कोफ्ता बनाने के लिए हमें चाहिए पालक। तो पालक को मैंने धो के काट लिया है बारीक बारीक, और एक कटोरी बेसन लिया है मैंने छोटी कटोरी से 5 चम्मच के करीब। और एक कटोरी चावल का आटा लिया है। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और अच्छे से हम मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसको मिला लेना है। ऐसे पालक में अपना पानी होता है। और देखिए तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम छोटे छोटे बॉल्स बनाकर मैं डीप फ्राई कर लेंगे और अच्छे से ब्राउन होने तक तलेंगे। और बीच बीच में पलटते रहेंगे। तो जब तक हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं हम मसाले रेडी कर लेते हैं। तो मसाले के लिए हमें चाहिए अदरक, लहसुन और प्याज। एक बड़ा प्याज लिया है मैंने। सबको डालकर अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे। और काली मिर्च, जीरा, और देखिए कोफ्ते भी रेडी हो चुके हैं। निकाल लेते हैं। और इसी तरह सारे कोफ्ते हम तलकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए सारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। इस कोफ्ते को हम एज ए स्नैक्स भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बनाकर खाइएगा। और अभी ग्रेवी रेडी करते हैं। तो ग्रेवी मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता और 1 छोटे प्याज लिया है। और इस सबको भुनना है। उसके बाद जो हमने मसाले रेडी किए थे वो ऐड कर देंगे इसमें और अच्छे से भुनेंगे। अब मसाले में हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से इसको मिला लेंगे। और थोड़ी देर तेल छोड़ने तक हम इसे अच्छे से भुनेंगे। अब देखिए तेल छोड़ने लगे हैं। तब हम यहाँ पर एक टमाटर का पेस्ट बना लिया है, बस उसको डालकर भी हम अच्छे से भुनेंगे। तो हमारा टमाटर भुन चुकी है और हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। और गरम मसाला, और थोड़ी देर भून लेंगे। और मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च लिया है कलर के लिए। ये टोटली ऑप्शनल है। अच्छे से इसको मिला लेंगे। और देखिए बिल्कुल हमारा मसाला भुन चुका है। और अपने पानी डाल देंगे इसमें। पानी इतना डालना है जितना आपको गाढ़ा या पतला ग्रेवी चाहिए, उस हिसाब से आप पानी डालकर ढक कर 2 मिनट पका दीजिए, जब तक बॉयल आ जाए अच्छे से। देखिए ग्रेवी उबलने लगी है। हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे और बस 1 मिनट खोलने के बाद हम इसको बंद कर देंगे और धनिया पत्ता डाल देंगे। और देखिए हमारा पालक कोफ्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है बनकर।
तो आपको ये सब्जी कैसी लगी फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।